हाय गाइस, मैं रंजना सिंह। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लीच और डीटेन। ओके, मैंने क्लाइंट को लिया है ऑक्सी ब्लीच 1 स्पून, और ये 1 चम्मच में से 1/4 भाग हमें एक्टिवेटर लेना है। क्लाइंट को मैंने ब्लीच एप्लीकेशन कर दिया है। ध्यान रखिए कि हम ब्लीच क्लाइंट को करते हैं फेस के हेयर को नहीं दिखाने के लिए, पर क्लाइंट के फेस पे अगर ब्लीच करते हैं तो बहुत सारे ब्यूटिशियन क्या करते हैं, फेस पे पूरा ब्लीच दिखता है, बाल पूरे गोल्डन हो जाते हैं। तो हमें ये हेयर को छिपाना है, ना कि इसे गोल्डन करके दिखाना है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए आप। ये मैंने क्लिंजिंग लिया है क्लाइंट को, मैं इसका 3 मिनट मसाज करूँगी, चेहरा क्लीन करूँगी। 3 मिनट के बाद मैं वेट कॉटन से क्लिंजिंग को रिमूव करूँगी। अब मैंने D10 का स्क्रब लिया है, वाइटनिंग स्क्रब कहते हैं इसे। इसे भी मैं 3 मिनट अप्लीकेशन करूँगी। मैं क्लीनअप या फेशियल में स्टीम के लिए इग्नोर करती हूँ, बिना स्टीम के मैं भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करती हूँ, अच्छे से हो जाता है। क्योंकि अगर हम हमेशा बोलते हैं ठंडे पानी से मुँह धोइए, कोई नहीं कहता है कि गर्म पानी से मुँह धोइए, क्योंकि नेक्स्ट डे क्लाइंट अगर जाएगा तो उसके फेस पे फिर से वाइट हेड्स निकल आते हैं, स्किन रिंकल्स पड़ जाते हैं। मैंने ये अभी क्रीम मसाज लिया है क्लाइंट को, मैं इसको 10 मिनट मसाज करूँगी इस क्रीम को। अब मैं ये क्लाइंट को D10 का पैक लगाऊंगी। इस पैक को अप्लीकेशन करने के बाद मैं इसे 10 मिनट रखूँगी। ये क्रीम बेस पैक है। देखिए क्लाइंट का फेस, मैंने ये ब्लीच किया हुआ है क्लाइंट को, क्लाइंट के फेस पे बहुत बाल थे, अब मैंने ये स्किन के कलर का किया हुआ है हेयर। अब देखेंगे, हमें छिपाना है ना कि इसे दिखाना है। ये बिफोर और ये आफ्टर लुक, प्लीज़।